So hello everyone, welcome back to the part 7 of the complete the following hydrocarbons. और इस वीडियो में हमने जैसे कहा कि हम पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ दी फॉलोइंग एल्कीन्स. कैसे बनते हैं, उल्टा कैसे होता है, सीधा कैसे होता है, सब देखेंगे. तो चलो भाई ओजोनोलिसिस करी जाए. तो पहला प्रोडक्ट आपको पहला आपको जो ओजोनोलिसिस करना है वो किसका करना है, एल्कीन का करना है. तो प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है ओजोनोलिसिस की वो क्या होती है, पहले हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं. जब हम लोग ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सबसे पहले बनाता है ओजोनाइड. ठीक है, ये एक सुनहरा सा झोपड़ा बनाता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं ओजोनाइड, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है. अगर वो हाईली अनस्टेबल है यानी कि वो हाईली रिएक्टिव होगा. तुम्हें क्या करना है, ओजोनाइड के अंदर ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को फंसाना है, फिक्स करना है. तो इस डबल बॉन्ड के इधर क्या है, एक सी है. इसके डबल बॉन्ड के पास क्या है, एक सी है. इस सी के पास एक तरफ तो हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप CH3 है. ठीक है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझना इस बात को. जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उनके बीच में तुमने ओजोनाइड घुसाई है, क्योंकि एडिशन तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही होता है ना बेटा. तो O3 यहां पर ऐड हुआ है. किस तरह से ऐड हुआ है ये मैं दिखा रहा हूं आपको, कि C के तरफ एक H है और इस C के तरफ एक तरफ H3 है. इधर C के दोनों तरफ H और H हैं. अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, आपको आपको पता है कि ये ओजोनाइड जो है हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव है. तो यहाँ पर फिजन हो जाएगा, टूट जाएगी. कब, जब आप इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करोगे. यहाँ से ZnO निकल जाएगा और ये रिंग यानी कि ओजोनाइड जो होती है वो इस तरह से टूटेगी. ये एक तरफ, ये रहा आपका दूसरी तरफ, और जिंक और ओ ZnO बाय प्रोडक्ट. ये क्या बचा, CH3CH और एक तरफ O, यानी कि CH3CHO. प्लस में एक और प्रोडक्ट बन रहा है HCHO, यानी कि इथेनल एंड मीथेनल आर दी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट फॉर दी प्रोपीन. इसको आप आसान तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर बनाना हो तो क्या करोगे बच्चों, डबल बॉन्ड को तोड़कर ए को इसको दो, ए को इसको दो और बेटा निकल ले. ठीक है, तो ये क्या बना देगा, CH3CHO प्लस CH2O, CH2O मतलब HCHO, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएगा. आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड तोड़ना है, ओ लेकर निकल जाना है. अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन के पास अगर H होगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, और अगर H नहीं होगा तो वो कीटोन बनाएगा. नहीं समझ पा रहे ना, बता रहा हूं, एक मिनट रुकना. डस्टर ले लिया, ये पेन ले लिया. तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसको नोट कर लेना बस. देखो भाई क्या है कि जैसे दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये बनेगा. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. इसकी रिएक्शन जब हमने O3 के साथ कराई तो ओजोनाइड बनाया क्या. चलो एक आध और बना देते हैं ओजोनाइड. ये ओजोनाइड तैयार हो गया. तो क्या करना है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम है उनको यहां फंसाना है. एक तो ये है, एक तो ये है, फंसा दिया. इस कार्बन के साथ दोनों तरफ CH3 लगे हैं. लो भाई जो कह रहा है वो करते रहो. दो CH3 लगा दिए हम लोगों ने. ठीक है, समझ में आ रही है बात. अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बच्चों, जिंक डस्ट के साथ. हमेशा क्या निकलेगा, ZnO. और रिंग किस तरह से टूटेगी, क्योंकि हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में टूट जाएगी.
तो क्या बना रहा है, सी एच थ्री सी, सी के साथ ओ और इस सी के साथ सी एच थ्री, यानी कि सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री। सी के साथ सिंगल बॉन्ड ओ तो था ही और एक बॉन्ड ये भी है तो डबल बॉन्ड बनाता है, सी और ओ यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना। सिमिलरली यहां पे भी सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री आएगा, यानी कि इसका ओजोनोलिसिस जब टूटेगा, सॉरी इसका ओजोनाइट जब टूटेगा तो ये हमको टू मोल्स ऑफ एसीटोन देगा। समझ में आई? तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम्स थे उसके पास हाइड्रोजन नहीं था, तो हाइड्रोजन नहीं था तो हमने क्या किया, डबल बॉन्ड टूटा, ए को इसको दो, ए को इसको दो और निकल लो। तो जब ऐसी बात हुई तो क्या मिला, सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड बनता और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बन रहा है, ये कहना चाह रहा था मैं। आई बात समझ में? चलो अब दूसरा पार्ट, बी पार्ट अपने आप से करो, टू मिथाइल प्रोपीन करो। तो टू मिथाइल प्रोपीन का स्ट्रक्चर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो एक सी इधर है, एक सी इधर है, एक सी इधर है, एक सी इधर है, इसी के इधर दो सी एच थ्री हैं तो लो भाई दो सी एच थ्री लगा दिए, इसी के पास दो एच टू हैं तो लो भाई दो एच टू लगा दिए, फिर क्या होगा, रिंग टूटी 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 टूटी, किसके प्रेजेंस में टूटी, जिंक डस्ट के प्रेजेंस में टूटी, ZnO निकल गया, ये वाला वो जिंक के साथ निकल जाता है। क्या बना, चूंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री प्लस, चूंकि इसके पास हाइड्रोजन है तो ये क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, कितने कार्बन का, एक कार्बन का, तो एस सी एच ओ। तो आप सिंपल भी देख सकते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ा, ओ दिया निकल लिया, क्या बनाएगा, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री और एच सी एच ओ। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन क्या है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब इनके लिए ओजोनाइट बनाने की आवश्यकता नहीं है, साइक्लिक प्रोडक्ट्स हैं, साइक्लोहेक्सीन बेंजीन ऑर्थोजाइलीन, इनके लिए आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ऐसा करके अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड तोड़ा, ठीक है डबल बॉन्ड तोड़ा, इसके क्रॉस इधर ऑक्सीजन दिया, इधर ऑक्सीजन दिया, ओते हो निकल ले हो। बेटा इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, थे भी कि नहीं थे, थे एक दो तीन, यहां पे एक हाइड्रोजन था, सिमिलरली यहां पर भी एक हाइड्रोजन था, कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि फर्स्ट कार्बन एटम पे बन रहा है सी एच ओ, इस फर्स्ट कार्बन एटम पे सी एच और ओ सी एच ओ बन रहा है, फिर ये सी एच ओ किसे जुड़ा है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू, यानी कि इसके बाद पांच बार सी एच टू है, एक दो तीन चार, सॉरी चार बार सी एच टू है और उसके बाद क्या है, फिर से सी एच ओ है। तो ये बन रहा है प्रोडक्ट किसका, साइक्लोहेक्सीन का, और इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1.6 डाइअल। यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 1.6 डाइअल। समझ में आ गई बात? अब जिस तरह से आपने साइक्लोहेक्सीन को तोड़ा, सोचो बेंजीन को आप कैसे तोड़ोगे, सोचो, पॉज करो, बनाने की कोशिश करो, हम तो बता ही देंगे, हम तो आए हैं बताने बेटा। तो चलिए बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन कॉम्प्लिकेटेड टाइप है किसका, साइक्लोहेक्सीन का। अगर साइक्लोहेक्सीन हल्का हल्का समझ में आ गया होगा तो बेंजीन भी आ जाएगा। क्या करना है, देखो बेटा जितने डबल बॉन्ड है उन सबको तोड़ो, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ए को इसको दिया, ए को इसको दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ए को इसको दिया, ए को इसको दिया, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ए को इसको दिया, ए को इसको दिया, है ना, मान लो थ्री मोल्स ऑफ ओजोन डाल दिए थे हमने। तो जब ऐसा हुआ मेरे बच्चों, तो ये अगर वन कार्बन है
तो ये वन कार्बन क्या टू कार्बन से जुड़ा हुआ है या इस वाले कार्बन से जुड़ा है? नहीं, क्योंकि जब ओजोनोलिसिस हुआ तो डबल बॉन्ड क्या क्रॉस हुआ, एडिशन हुआ, तो ये डबल बॉन्ड तो टूट गया ना। तो ये वन कार्बन किससे जुड़ा है? ये इधर इससे जुड़ा है, टू कार्बन, ये वन, ये इससे जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहां पर आपको क्या मिल रहा था? सी एच ओ। इधर आपको क्या मिल रहा था? सी एच ओ। यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। सी एच ओ सिंगल बॉन्ड, देखो ये सी एच ओ सिंगल बॉन्ड, सी एच ओ, सी एच ओ सिंगल बॉन्ड, सी एच ओ। अब चूंकि ये कार्बन फिर से यहां से टूट चुका है तो इसका इससे कोई समझौता नहीं, इसका इससे कोई समझौता नहीं। सिमिलरली बेटा एक और पेयर दिख रहा है, ये रहा आपका सी एच ओ, ये रहा आपका सी एच ओ। मैं यहां पे सी एच ओ क्यों गिन रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन के हर कार्बन के पास सिर्फ एक एक हाइड्रोजन होता है, और चूंकि हाइड्रोजन होता है तो वो एल्डिहाइड ही बनाएगा। हाइड्रोजन अगर ना होता तो कीटोन बनाता। तो यहां पर एक कार्बन एटम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, यहां पे कार्बन एटम हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन आ गया, तो सी एच ओ सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, फिर से सी एच ओ सी एच ओ बनाया। यहां पर भी सी एच ओ सी एच ओ बन रहा है, यहां पर भी सी एच ओ सी एच ओ बन रहा है, और इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी सी एच ओ सी एच ओ बन रहा है। जब डबल बॉन्ड यहां से टूटा यहां सी एच ओ बचा, जब यहां डबल बॉन्ड टूटा तो यहां सी एच ओ बचा, यानी कि 3 मोल्स ऑफ सी एच ओ मिलते हैं, 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल मिलता है जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस होता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई में तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेंजीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 3 मोल्स ऑफ डैश। और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा कठिन थोड़ी ना, ठीक है। सो क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है, ओ देना है, ओ देना है, निकल लेना है, फिर ये देखना है कि कौन सा कार्बन किस कार्बन के साथ जुड़ा था, ये ध्यान रखना है बस। अब उसी तरह देखो साइक्लोहेक्सीन अगर समझ गए होगे तो ये आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो ही ऑर्थोजाइलीन समझ में आएगा। अब ऑर्थोजाइलीन क्या होता है पहले ये देख लो। ऑर्थोजाइलीन मतलब ऑर्थो पोजीशन के रिस्पेक्ट पे, दो सी एच थ्री डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1.2 डाइमिथाइल बेंजीन। तो देखिए डबल बॉन्ड के क्रॉस एक को इसको दिया, एक को इसको दिया। अब देखो क्या यहां पे हाइड्रोजन था? नहीं था, कार्बन के सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां पे हाइड्रोजन की कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और जब डबल बॉन्ड टूटेंगे इधर हो आएगा, इधर हो आएगा, डबल बॉन्ड टूटेगा इधर हो आएगा, इधर हो आएगा, यहां डबल बॉन्ड टूटा इधर हो आया, इधर हो आया। प्रोडक्ट्स क्या बने अब इसकी बात करते हैं। चलो ये जो सी एच थ्री है किससे जुड़ा है? नीचे आओ, सी से जुड़ा है, और इस सी को तुमने क्या दिया था? ओ दिया था। सी एच थ्री को तुमने ओ दिया था, सी के साथ अगर ओ आएगा तो डबल बॉन्ड में ही आएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो यहां था ही नहीं। अब ये सी इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इधर तो बॉन्ड टूट गए, तो ये सीओ किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और इस कार्बन के पास क्या था? हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, यानी कि क्या था? सी एच ओ था। तो ये एक प्रोडक्ट बना, सी एच थ्री सीओ सी एच ओ। सिमिलरली अगर हम यहां की बात करें, अब डबल बॉन्ड टूट चुका है इधर हो आया, यहां से डबल बॉन्ड टूटा इधर हो आया, सी एच ओ सी एच ओ, यानी कि यहां पर भी एक ग्लाइऑक्सल बन रहा है, सी एच ओ सी एच ओ। इस बॉन्ड के क्रॉस बात करें, इधर ये वाली बात करें, ये वाली बात करें तो सी एच थ्री सीओ सी एच थ्री आ रहा था, ये वाले बॉन्ड की बात करें तो सी एच ओ सी एच ओ आ रहा है। सिमिलरली अगर यहां की बात करें तो सी एच थ्री फिर ये सीओ फिर ये सी एच ओ, सी एच थ्री सीओ सी एच ओ, यानी कि इसके 2 मोल्स बन रहे हैं। तो ये था ऑर्थोजाइलीन के प्रोडक्ट्स, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स। अब ऑर्थोजाइलीन जो होता है वो रेजोनेंस दिखलाता है, भाई बेंजीन है तो रेजोनेंस दिखाएगा, और अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो हम मिथाइल की पोजीशंस को तो वहीं पे रख रहे हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशंस को चेंज कर दे रहे हैं, और जब डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट्स भी बदल जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदला, पहले यहां था लेकिन अब यहां नहीं है, यहां नहीं था अब यहां है।
यानी कि रेजोनेंस की वजह से आप जानते हैं बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स का, जिसकी वजह से पोजीशंस बदल जाती हैं। ऐसा होने पर अगर अब हम लोग ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट निकालें तो वो क्या होंगे, चलिए देखते हैं। ये डबल बॉन्ड टूटा ए को, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था तो ए को यहाँ आया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, और बॉन्ड तोड़ने पर ए को आया। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं था क्योंकि मिथाइल लगा है, यहां पर हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड तोड़ा, ए को आया। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो देखो ये CH3 इस कार्बन से जुड़ा है जिसके पास H नहीं था, लेकिन O तो आ गया तो C डबल बॉन्ड O हो गया। अब ये इस साइड तो नहीं जा सकता क्योंकि टूट गया, ये इधर जाएगा, इधर इधर दिख रहा है ना, तो CO किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक और C डबल बॉन्ड O के साथ, और ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ, तो CH3 CO CO CH3। नेक्स्ट, अब यहां से डबल बॉन्ड टूट चुका है, ये क्या बना हुआ है, C था, H था, O था, तो CHO, ये CHO किसके साथ जुड़ा हुआ है, CHO के साथ, यानी कि ग्लाइऑक्सिल प्रोडक्ट यहां भी बन रहा है। अब यहां है तो ये रहा CHO, ये रहा CHO, यानी कि 2 moles ऑफ CHO। यानी कि ऑर्थोक्साइलीन का जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं, ऑल एंड एवरेज पूरा अगर हम देखें तो 3 moles ग्लाइऑक्सिल के बनते हैं, 2 mole इसके बनते हैं। इसका नाम, इसका UPSC अगर नेम अगर हम पूछें तो वो क्या होगा, 1, 2, 3, 2 पे कीटो प्रोपेनल, और इसका 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन 2.3 डाइओन। ठीक है, पक्का? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि आखिर अगर हमको कोई एल्डिहाइड या कीटोन दी गया तो हम उसको एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ओजोनोलिसिस का अपोजिट। ठीक है, चलिए। सो नेम द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस फॉर्म दीज कंपाउंड्स। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 moles ऑफ इथेनल। एक ऐसा एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस करने पर 2 moles इथेनल दे रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, इथेनल बना लो बेटा, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया उसको बना लो, 2 mole इथेनल है। जानबूझ के मैंने इस तरह से इसलिए बनाया है ताकि आपको यह बता सकूं कि जो C डबल बॉन्ड O होते हैं, जो ये C डबल बॉन्ड O, आपको क्या करना है, रिवर्स ढूंढना है ना। ओजोनोलिसिस में भी हम क्या कर रहे थे, एल्कीन जहां डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड को तोड़ रहे थे, उसकी जगह OO ला रहे थे, तो बेटा रिवर्स में सोच लो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाला O निकाल देंगे और वापस से C डबल बॉन्ड C को अटैच कर देंगे, तो C डबल बॉन्ड O में से O निकल जाएगा, तो ये C इस C से डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। ब्रेस्ट जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा छाप दो। इस C के साथ क्या है, CH3 और H है, तो ये लो CH3 और H। उसी तरह यहां पे भी क्या है, CH3 और H। ये आपका रिक्वायर्ड एल्कीन मिल गया। नेमिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि ब्यूट 2-ईन। अब आंसर चेक करना चाहो तो रिवर्स कर लो, मतलब इस एल्कीन को अगर फिर से तोड़ोगे, ओ दोगे तो क्या मिलेगा, CH3CHO CH3CHO, एक ओ इधर। आई बात समझ में, पक्का? तो व्हाट इज द एल्कीन नेम विच इज ऑन ओजोनोलिसिस गिविंग 2 moles ऑफ इथेनल, द आंसर इज ब्यूट 2-ईन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है आपको मिक्सचर दे रहा है इथेनल और एसीटोन का, तो सबसे पहले क्या करना है, इथेनल और एसीटोन बनाओ। ये रहा आपका इथेनल और ये रहा आपका एसीटोन। एसीटोन का मतलब प्रोपेन टू ओन। मैंने क्या कहा है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इन दोनों में से क्या करना है, डबल बॉन्ड O हटा देना है और इस C और इस C को डबल बॉन्ड के माफक जोड़ देना है। बाकी जो इस C के साथ जुड़ा है और जो इस C के साथ जुड़ा है उसको एज इट इज लिख दो, तो आपको आपका रिक्वायर्ड एल्कीन मिल जाएगा। ये लो,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, ओजोनोलिसिस पर क्वेश्चन आता ही आता है। 95% केसेस में मैंने देखा है कि 11th के फाइनल टर्म्स में ओजोनोलिसिस का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। यू विल ऑल्सो स्टडी दिस ओजोनोलिसिस कॉन्सेप्ट इन क्लास 12th ऑल्सो, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसका। तो भैया इसका नाम क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे काउंटिंग, यहां से शुरू करेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही, यहां से करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है, दूसरे ग्रुप पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर यहां से करोगे तो तीसरे स्थान पे मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4 यानी कि 2-methyl-but-2-ene, ये एल्कीन ऐसा है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर आपको इथेनल और एसीटोन मिलेगा। चलो तीसरा खुद करके देखो, कोई ऐसा एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस करने पर प्रोपेनल और पेंटेन 3-ओन दे रहा है। वीडियो पॉज नहीं करिए अभी तक, हम ही को देख रहे हो, देख लो भाई, कर लो कोशिश करो। चलिए प्रोपेनल को बनाइए, दिस इज द थर्ड पार्ट प्रोपेनल, और यहां पे पेंटेन 3-ओन, पेंटेन 3-ओन। एक दो तीन चार पांच, और तीसरे पे क्या है, ओन। क्या करना है, सी डबल बॉन्ड हो, इनमें से डबल बॉन्ड हो हटा दो, उन दोनों सी को जोड़ दो, सी डबल बॉन्ड सी, इस सी के साथ क्या है एच, दूसरी तरफ क्या है इथाइल ग्रुप, इधर क्या है दोनों तरफ इथाइल ग्रुप। तभी देखो ये एल्डिहाइड क्यों बना, क्योंकि डबल बॉन्ड के यहां सी के पास एच था। ये कीटोन क्यों बना, क्योंकि इस डबल बॉन्ड सी के पास एच नहीं है। अभी मैंने पीछे बताया ना आपको, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास एच होता है वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या बनाएगा, कीटोन। वेरी गुड। तो यहां पे इसका नेम बताइए आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे जाएंगे तो 5 की बनेगी, इसलिए हम लोग सीधा कंटिन्यू रखेंगे। काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि तीसरे पे इथाइल है, तो 3-ethyl-hex-3-ene। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज समथिंग लाइक डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन, वो क्या है चलिए देखते हैं। एन एल्कीन ए कंटेन्स 3C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड्स, 8CH बॉन्ड और 1CC पाई बॉन्ड। एक ऐसा एल्कीन है जिसके पास CC 3 बॉन्ड है, CH 8 बॉन्ड है और CC पाई वाला 1 बॉन्ड है, और A का जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो वो 2-mol LD दे रहा है। 2-mol LD देने का मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जो है उनके पास हाइड्रोजन एटम है, ऑफ मोलर मास 44 μ। तो एक एल्कीन है जिसके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो 2-mol LD मिलता है जिसका मोलिकुलर मास 44 है। तो आपको एल्कीन बताना है, तो ये थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दिया है और ये NCERT का ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, ये डायग्राम बनाने की कोशिश करो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। CCC 3 बॉन्ड है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और एक इसमें से पाई बॉन्ड है, तो मान लेते हैं पाई यहां पे है, मान लेते हैं। ये सी डबल बॉन्ड सी बीच में क्यों मान रहा हूं, क्योंकि यहां पे उसने कहा है 2-mol LD दे रहा है मोलर मास 44 का। अलग अलग होता तो मैं यार 2 मॉलिक्यूलर मास देता ना। अब अगर एक ही मॉलिक्यूलर मास दे रहा है, यानी कि एक ऐसा एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करने पर 2 सिमिलर कंपाउंड्स मिल रहे हैं, तो बट ऑब्वियस की बात है वो सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल एल्कीन होने के लिए एल्कीन को यानी कि डबल बॉन्ड को बीच में ही आना पड़ेगा। अगर यहां आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 कार्बन का अलग 3 कार्बन का अलग, वो पॉसिबल नहीं है। फिर उसको यहां पे 2 मॉलिक्यूलर मास देने होते या देने पड़ेंगे, लेकिन इसने एक ही मॉलिक्यूलर मास दिया है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का कंफर्मेशन करने के लिए, देखते हैं भैया क्या है। 8CH बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
मेरे हिसाब से यहां पर ये क्या बन रहा है, ब्यूट टू इन, अभी हम लोगों ने बनाया इसको। जब आप ओजोनोलिसिस कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ओ इस कार्बन को दोगे, एक ओ इस कार्बन को दोगे, तो ये क्या मिला, CH3CHO, CH3CHO। इसका मॉलिक्यूलर मास देख लें, इस कार्बन का 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 16, 12 3 15, 15 12 27, 27 1 28, 28 और 16 44, तो 44 इधर भी, 44 इधर भी। इसीलिए लिखा है A on ozonolysis give 2 moles of aldehydes of molar mass 44, clear। Next और last आप निकाल कर देखिए, एक ऐसा एल्कीन है जो एसिटल एल्डिहाइड दे रहा है, फॉर्मल एल्डिहाइड दे रहा है और प्रोपेन 1.3 डाइल दे रहा है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, ट्राई करिए खुद से वीडियो पॉज करके देखो क्या आ रहा है। चलिए देखो भाई, कोई भी एक एल्कीन का भी आपने टुकड़ा टुकड़ा किया, मतलब उसका ओजोनोलिसिस किया, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, या दो एल्डिहाइड या दो कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन। गंभीरता की बात यहां पे ये है, यहां पे आपको तीन मिल रहे हैं, और अगर तीन मिल रहे हैं तो बताओगे इसकी बात है, यहां पे दो डबल बॉन्ड होंगे एल्कीन में। जी हां, दो डबल बॉन्ड, तो वो आपको खोजना पड़ेगा। कैसे खोजते हैं चलिए देखते हैं। ये रहा CH3CHO, एसिडल एल्डिहाइड मतलब CH3CHO, फॉर्मल एल्डिहाइड HCHO, प्रोपेन 1.3 डाइल, प्रोपेन 1.3 डाइल। मैंने कहा C डबल बॉन्ड O वाली जो चीज है वो जुड़ जाती है और रूप ले लेती है C डबल बॉन्ड C का। तो एक आपको जब भी तीन एल्कीन दी, सॉरी जब भी आपको तीन प्रोडक्ट्स दिए होंगे तो एक एल्डिहाइड कीटोन जरूर आपको ऐसा मिलेगा जिसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स मौजूद होंगे। आपको उसी का कान पकड़ना है, उसको बीच में रखना है, क्योंकि ये आपको देगा बेटा दो डबल बॉन्ड्स, क्योंकि इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप्स दो दो हैं। तो यहां पर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है इसमें से मैंने ओ निकाल दिया क्योंकि रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या बचेगा एच, इसके साथ क्या जुड़ा है CH2। गौर से ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा इस सी के साथ क्या जुड़ा है एच। ये जो डबल बॉन्ड ओ था, डबल बॉन्ड तो रखेंगे लेकिन ओ गायब, रिवर्स कर रहे हैं। अब क्या करो, इस सी डबल बॉन्ड ओ वाले को और इस सी डबल बॉन्ड वाले को, एक को यहां लटका दो एक को यहां लटका दो, यानी कि ये अगर आएगा तो यहां पर आएगा, कहीं पर भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, और ये अगर आएगा तो ये यहां रख जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल एल्कीन, दिस इज द आंसर। चेक करना चाहते हो, इसका ओजोनोलिसिस किया, इसका ओजोनोलिसिस किया, एको 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 एको, क्या बन गया CH3CHO HCHO, और ये CHO CH2CHO, वही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना, पक्का। चलिए स्टे ट्यून्ड टू सागर वरजातिया और देखते रहिए केमिस्ट्री का सागर, आपका अपना प्यारा चैनल।